तो फ्रेंड्स, आज हम आपको वेज मंचूरियन बनाना बताएंगे, क्योंकि सर्दियों का सीजन चल रहा है और सब्जियां खूब आ रही हैं मार्केट में। तो हम सब्जियों के साथ आपको ये वेज मंचूरियन बनाना बताएंगे। तो जो जो सामग्री चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। तो मैंने ये मंचूरियन बॉल्स बना के रख ली हैं, गोभी और गाजर, पत्ता गोभी और गाजर को मिक्स करके उसमें मैदा डाल के ये मंचूरियन बॉल्स मैंने पहले ही बना के रख ली हैं। जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं वैसे ये बन जाते हैं। उसके लिए हमें आधा चम्मच जो चाहिए होगा पिसा हुआ अदरक, अदरक का पेस्ट, हरे प्याज ये ले लेंगे हम, गाजर कटी हुई आधी गाजर ले ली है, लहसुन ले लिया हमने काट के, एक टमाटर ले लिया, इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे मिक्सी में, हरी मिर्च का पेस्ट है जी, और ये प्याज है। इसके साथ ही हमें ये किसान की टोमेटो सॉस चाहिए होगी और सोया सॉस चाहिए हमें, और साथ ही हमें ये 10 रुपए का जो आता है नॉर का वेजिटेबल सूप आता है ये चाहिए होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हमने इसमें लहसुन डाल देना है। लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन कर लेना हमने। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। जब तक ये प्याज ब्राउन कलर का होता है तब तक हम टमाटर की ग्रेवी बना लेते हैं। प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, अब इसमें हमने हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और टमाटर की जो हमने ग्रेवी बनाई है वो डाल देंगे। इसको भी हल्का सा भून लेंगे। अब ये भून चुका है, इसमें हमने जो स्प्रिंग अनियन काट के रखा था वो डाल देंगे, हरा प्याज। अब इसमें हमने कटी हुई गाजर डाल देनी है। सब्जियों को थोड़ा सा पकने देंगे। अब सब्जी हमारी हल्की सी पक चुकी है, अब इसमें हमने जो सूप का पैकेट है वो घोल के डाल देना है। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और 2 चुटकी काली मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हम ग्रेवी वाले मंचूरियन बना रहे हैं। एक चम्मच के करीब हमने सोया सॉस डाल देनी है, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, टेम्पिंग हो जाएगा। देखिए अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस डाल देनी है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, तो अब इसमें हमने मंचूरियन डाल देने हैं। तब अब इसमें मंचूरियन डाल देंगे। हरे धनिए के साथ इसको गार्निश कर देंगे। और थोड़े से तिल डाल देंगे इसमें। तो बहुत ही अच्छे ये ग्रेवी वाली मंचूरियन बनके रेडी हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे मंचूरियन घर पे बनके रेडी हो गए हैं, देखिए। और बच्चे इसको बहुत खुश होकर खाते हैं, तो आप भी इसे अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। सिर्फ 10 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। इसको अब हमने थोड़े से तेल और हरे धनिए के साथ गार्निश कर देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।